वहीं उत्तराखंड में पीएम मोदी की रैली के बाद कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह दिखाई दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली के बाद प्रदेश में चुनाव प्रचार तेज करने की बात भी कही। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य में मोदी लहर और तेज बहने का दावा किया। कार्यकर्ताओं से बात की हमारे सहयोगी नवीन उनियाल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब आज 3:36 पर पहुंचे और 39 का उन्होंने संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने मिडिल क्लास को और सेना से जुड़े हुए लोगों को संबोधित किया और तमाम लोगों को कहा कि देश सेवा में प्रधानमंत्री मोदी यानी वो काम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, आप ही बताइए कि जो संबोधन हुआ उसमें खास बातें क्या रही, क्या कुछ आपको लगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज हमारे लिए बहुत गौरव का विषय रहा कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हमने सीधे सीधे सुना है और उन्होंने जो है हम सबको संबोधित करते हुए बताया है कि इस जो 5 का जो कार्यकाल माननीय नरेंद्र मोदी जी के समय में रहा है उसमें सबका साथ सबका विकास, उसमें गरीब के कल्याण को केंद्रित रखकर जो योजनाएं बनाई हैं, उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से हमने 10 करोड़ लोगों को जो है शौचालय उपलब्ध कराए हैं और किस प्रकार से हमने 1.5 करोड़ लोगों को जो जिनके पास मकान नहीं थे उनको मकान दिए हैं और जिस किस प्रकार से 7 करोड़ लोगों को जो है हमने उज्ज्वला गैस से जोड़ा है। कहीं लेकिन जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को के खिलाफ कांग्रेस को लेकर बातें रखी हैं अपनी, आपको लगता है कि वो प्रभावित करेंगी लोगों को? बातें तो प्रभावित करेंगी, इस पर तो कितना असर पड़ेगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि सचमुच में मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारे उत्तराखंड के चारों धामों को जोड़ने का जो काम किया ऑल वेदर रोड के माध्यम से। आप युवा हैं, आपको लगता है कि युवा होने के नाते रोजगार पर आपको जो बातें हैं वो सही लगी? बिल्कुल, ये जो कहना है कांग्रेस का कहना है कि लोगों को रोजगार नहीं मिला, लेकिन जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना रही है, जिस भी तरीके की योजना रही है, अगर मान लीजिए हम कोई भी कार्यक्रम मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट रहा हो, कोई भी प्रोजेक्ट रहा हो, अगर ऐसे प्रोजेक्ट उभर कर आए हैं तो इससे स्वाभाविक बात है लोगों को रोजगार ही मिला होगा। ये जो जनसभा हुई है उसका फायदा मिलेगा और 500 लोकसभा को लेकर जो जीत की दावे किए जा रहे हैं वो ऐसा हो पाएगा, ऐसा विश्वास है? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी हम सब कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा भर के गए हैं और एक ऊर्जा का स्रोत है हमारे प्रधानमंत्री जी और हम युवाओं को भी उनसे एक प्रेरणा मिलती है काम करने की, 18 घंटे जो है काम करते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता भी थे और कुछ आम लोग भी थे जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने उनके दिल को टच किया है, हालांकि इसका कितना असर उनके ऊपर हुआ है ये 23 मई को पता चलेगा जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि जिन मुद्दों को प्रधानमंत्री मोदी ने छुआ है उससे कहीं ना कहीं आम आदमी प्रभावित होगा, आम लोगों की बात उन्होंने कही है और सीधे तौर पर 23 मई को इसका असर भी देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन आशीष दीवान के साथ नवीन उनियाल, TV24 देहरादून। तो वहीं उत्तराखंड की महिलाएं बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोचती हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में वो किस दल के साथ खड़ी हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर महिलाओं से बात की हमारे सहयोगी नवीन उनियाल ने, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमाम मुद्दों को छुआ, मिडिल क्लास की बात की, सेना की भी बात की और तमाम दूसरे वर्ग की बात की, लेकिन हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। महिलाएं क्या सोचती हैं, क्या उनको लगता है ये संबोधन कितना असरदार है, इसको लेकर महिलाओं से जानते हैं। आप ही बताइए, मातृशक्ति जो है वो काफी अहम है, आधी आबादी है, ये जो संबोधन हुआ है उसका कितना असर आप देखती हैं, कितना फायदा होगा या फिर कितना दिल को छूने वाला संबोधन था? उनका पूरी तरह से फायदा होगा और मातृशक्ति तो उनको सबसे पहले उनको, क्योंकि उन्होंने मातृशक्ति को सम्मान दिया है। अच्छा, मोदी जी ने आज संबोधन तो दे दिया, करीब 39 उन्होंने बोला भी, लेकिन लगता है महिलाओं पर ये इसका असर हुआ और क्या आने वाले चुनाव में महिलाएं किस तरह से साथ देने वाली है? नहीं, मोदी जी का सब सपोर्ट करेंगे, खासकर गांवों में, गढ़वाल में, ये केदारनाथ बद्रीनाथ बहुत अच्छा, मोदी जी सब कुछ अच्छा करेंगे। मोदी जी के अलावा जो कैंडिडेट हम उठाए हैं, भाजपा ने जो उठाए हैं कैंडिडेट को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? लगता है कि जो, क्योंकि पिछली बार भी आपने 500 सीटें दी थी, तो कितने संतुष्ट हैं कि उन्होंने काम किया है या नहीं किया है, तो क्या स्थिति रही? सभी कैंडिडेट काम करके बताएंगे आगे भी, योगी जी ने तो यूपी को बदल दिया, योगी जी चाहे जो भी हैं सब में जोश है और करके दिखाएंगे, अच्छे से अच्छा करके बताएंगे। संबोधन का, इस रैली का, इस जनसभा का प्रदेश भर में असर होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। उन्होंने किस क्षेत्र में कमी करी है, हर क्षेत्र में हम लोग आगे हैं। कभी हम आप अमेरिका हमें आग दिखाता था, आज अमेरिका के साथ हम खड़े हैं। अमेरिका हो गया, रूस तो खैर हमारा साथी था ही, लेकिन अमेरिका जो है हमें आग दिखाने का काम करता था, आज हम उसके बगल में खड़े हैं 4th स्थान पे। तो एक दिन चाहेंगे तो अमेरिका के साथ भी खड़े होकर दिखाएंगे।
मोदी जी रहेंगे तो अमेरिका के साथ भी हम खड़े होंगे, यानी अमेरिका के बराबर जो ताकत है वो देश भारत देश में भी होगी। और तमाम जो नारियों को लेकर महिलाओं को लेकर योजनाएं हैं वो भी उन्होंने गिनाई है। हालांकि महिलाएं कितना साथ देती हैं वो 23 मई को पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि जो महिलाएं यहाँ पर आई थी उनका जो कहना था या जो उनका वर्जन था वो निश्चित रूप से ये सीधे तौर पर दिखता है कि वो मोदी जी के संबोधन से प्रभावित थी और मोदी जी के लिए वो एक बार फिर वोट करने वाली हैं। कैमरा पर्सन आशीष धीमान के साथ नवीन उनियाल, TV24 देहरादून।